पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में बीजेपी ने जबरदस्त ताकत झोंक रखी है। किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी और मुस्लिम वोटों का निर्णायक असर, पश्चिम यूपी में ये तीन बड़ी पहेलियां हैं जिनका हल निकालना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। और इसी हल की तलाश में बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह 3 दिनों से जाटलैंड में ऑपरेशन कमल चला रहे हैं। आज वो मुजफ्फरनगर में है और घर घर दस्तक देकर प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसके बाद वो सहारनपुर जाएंगे। शाह के अलावा बीजेपी के बाकी दिग्गज भी अपनी पूरी ताकत इन दिनों पश्चिमी यूपी पर झोंके हुए हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर की। जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहुंचने के बाद सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की अमित शाह ने। दूसरी तस्वीर वोटरों से मुलाकात करते हुए अमित शाह, और तीसरी तस्वीर में घर घर जाकर पर्चा बांटने की कोशिश। लेकिन इन सभी तस्वीरों में जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, वोट में तब्दील होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि उन तमाम कोरोना के नियमों का, उन प्रोटोकॉल्स का क्या हुआ जो चुनाव आयोग ने कहा था। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक किसी भी तरह के रैली या फिर प्रचार पर रोक लगा दी थी। बीजेपी के इस तरह के प्रचार पर ज्यादा से ज्यादा आप 10 लोगों को साथ लेकर के चल सकते थे, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है, हेड काउंट करना मुश्किल है। मैं आज भी मुजफ्फरनगर की जनता को पूछने आया, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को पूछने आया, यहां से लेकर सहारनपुर की जनता को पूछने आया कि आप भूले हैं क्या गंगे? जरा बोलिए जोर से, भूले हैं क्या? भूले हैं फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जैन की सलाखों के पीछे, जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोलबाला, भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहां पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। आपको हम सीधे बागपत लिए चलते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। विकास की बात बीजेपी कर रही है और चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की भी कोशिश कर रही है कि भाई इसी नाम पर, विकास के नाम पर हम वोट मांगे। लेकिन कहीं से भी दंगे नहीं छूटते, चाहे वो मेरठ के दंगे हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो, या फिर माफियाओं की बातें नहीं छूटती हैं। देखिए, बीजेपी के पास उसकी तरकश में तमाम तीर है। जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि विकास हुआ है और प्रधानमंत्री की योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, तो अपने हर प्रचार में, अपने हर एड्रेस में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या फिर अमित शाह हो, विकास की बात करते हैं, उस मॉडल की बात करते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ था तो वो था लॉ एंड ऑर्डर का। और इसे अमित शाह ने भी उठाया, इसे योगी आदित्यनाथ ने भी उठाया। इस इलाके में सबसे बड़ा अगर कुछ मुद्दा रहा है तो कानून व्यवस्था का पहले रहा है। और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की माने तो उन्होंने एक मॉडल दिया है उत्तर प्रदेश को, कानून व्यवस्था को लेकर एक मॉडल दिया है, और जिसकी चर्चा करते हुए कोई नहीं चूकता, कोई नहीं रुकता। और आज जिस तरीके से अमित शाह ने जो भाषण दिया है, जो बातें कही हैं, उसमें 2013 का दंगा, 2017 के बाद से जो बुलडोजर चले, जिस तरीके से अपराधियों का सफाया हुआ है, जिस तरीके से शहरों में अपराध पर लगाम लगी है, उसकी चर्चा उन्होंने की है। अखिलेश यादव पर सीधा सीधा निशाना है। और आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये भी नहीं कहा, ये भी कहा उन्होंने कि हम दंगे भूले नहीं हैं, यानी कि लोगों को उन्होंने 2013 याद दिलाई है।
अखिलेश और जयंत के जो गठबंधन हुए हैं इस पर भी उन्होंने खूब तंज कसा है और ये भी कहा कि जब अगर चुनाव वो जीतेंगे तो उसमें वहां जयंत नहीं होंगे, वहां अतीक होंगे, वहां पर आजम खान होंगे। यानी कि इन इलाके के लोगों को दोबारा से अतीत याद दिलाने की एक कोशिश दिखाई देती है और ये बीजेपी का सबसे बड़ा और पहला एजेंडा है। बिल्कुल अभिषेक, आएंगे आपके पास समर्थ हमारे साथ बने हुए हैं। समर्थ, जेपी नड्डा का आगे क्या कुछ कार्यक्रम अभी हो रहा है, वो कब तक इटावा पहुंचने वाले हैं? देखिए, हम इस वक्त इटावा में मौजूद हैं और उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं जहां पर जेपी नड्डा को आना है। आप तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं यहां पर, तो आप देखेंगे यहां पर प्रभावी मतदाता संवाद, यही इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है और इसी जगह पर जो है जेपी नड्डा को आना है। ये एक तरह से इटावा भवन और यहां पर जेपी नड्डा आएंगे और अंदर जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको यहां पर जो है एक तरह से उनको संबोधन के जरिए उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी उनके लिए क्या क्या कर सकती है। भले ही इटावा जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा हो, पर उसको लेकर बीजेपी की क्या सोच है और बीजेपी अगर यहां से तीनों सीटों पर विजयी होती है तो वो यहां के लोगों के लिए क्या कर सकती है। प्रबुद्ध सम्मेलन से यहां पर शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा, जिसके बाद वो एक होटल जाएंगे, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और बीजेपी के जो लोकल लीडर्स हैं इटावा के उनके साथ बैठक करेंगे और फिर डोर टू डोर कैंपेन ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में जाकर करेंगे, पतली गलियों से निकलते हुए करेंगे और वहां वो पर्चे बांटेंगे जिसमें लिखा होगा कि बीजेपी क्या क्या काम करेगी, क्या क्या किया है, और उसके बाद वो वापस रवाना होंगे औरैया के लिए। तो फिलहाल जी इंतजार फिलहाल हो रहा है। आएंगे आपके पास समर्थ, हमारे साथ देवबंद से श्रेया चटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रेया, आपके पीछे भी हम भारी भीड़ देख रहे हैं और आपका वो रिपोर्ट भी आपकी हमने देखी जिसमें वो पोस्टर है जिसमें श्री राम के रूप में दिखाया गया प्रधानमंत्री को और लक्ष्मण के रूप में अमित शाह, साथ ही हनुमान के रूप में योगी आदित्यनाथ को। पहले सबको जय श्री राम और हम बहुत एक्साइटेड हैं, जब से पता लगा अमित शाह जी आ रहे हैं बस हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, आपको बता नहीं सकते। बेटा आप क्या कहेंगे जब आप तिलक करेंगे? मैं उन्हें कहूंगी विजयी भाव। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर तमाम दौरे हो रहे हैं पश्चिमी यूपी में दिग्गजों के। इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी भी पश्चिमी यूपी के प्रचार युद्ध में उतरने वाले हैं। 31 जनवरी को उनकी पहली वर्चुअल रैली होगी जिसमें 5 जिलों की 21 विधानसभाओं तक पहुंच बनाई जाएगी। पीएम के संबोधन का 100 जगहों पर सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा इंटरनेट के जरिए भी बड़ी तादाद में लोग उनकी रैली से जुड़ पाएंगे। तो 5 जिलों के 21 विधानसभा में 100 जगहों पर सीधा प्रसारण होगा प्रधानमंत्री के संबोधन का। 31 जनवरी को यह कार्यक्रम रखा गया है। पहली वर्चुअल रैली होगी, एलईडी स्क्रीन और मोबाइल वैन का इसमें इस्तेमाल होगा, तो पूरी तरह से हाईटेक प्रधानमंत्री की यह रैली। अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज फिर से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गाजियाबाद में बोलते हुए दोनों नेताओं ने सड़कों की हालत, किसानों की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है, नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहां के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे। जयंत चौधरी को बीजेपी की तरफ से न्योता दिया गया है कि वो चुनाव बाद भी साथ में आ सकते हैं। बीजेपी के इस ऑफर पर जयंत चौधरी से खास बातचीत की आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने।
मैनिफेस्टो में रहेगा, क्योंकि महिलाओं पे बात बहुत कम हुई है। पुलिस में भी महिलाओं की ज्यादा भर्ती करेंगे ताकि एक संवेदनशील पुलिस तंत्र महिला को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहे। और आपने पूर्ण विराम लगा दिया है, अपना जो भाजपा ने जो संकेत दिया है कि टाइप होगा, उनके प्रयास थे हमें बांटने के, उस साजिश में हम फंसने वाले नहीं है। सारे जाट इस वक्त आपका समर्थन कर रहे हैं, जाट वोटर नहीं, सभी जो किसानी से जुड़े हैं, जो नौजवान है, जो नए विचारों को बढ़ाना चाहता है, यूपी में तरक्की चाहता है, वो लोग हमारे साथ। आप ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी अम्बेडकरवादी दोनों साथ लड़ेंगे? ऑफकोर्स, सारे सेक्शन, सारे रंग। धन्यवाद। ये थे जयंत चौधरी जो हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि महिलाओं के लिए भी बात की जाएगी आगे चल के, और समाजवादी पार्टी अंबेडकरवादी ख्यालों के साथ साथ चल के यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुनाव में कड़ी टक्कर देगी भाजपा को, क्योंकि अब चुनाव सीधा सपा बनाम भाजपा बन चुका है। अभिषेक के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।